नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, प्राध्यापक चित्रकला विभाग। स्वागत है आपका मेरे इस विजुअल आर्ट्स चैनल पर। मित्रों, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको चाक्षुष कला से संबंधित कुछ बातों को आपसे शेयर करता रहूं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार की लोक कलाओं से संबंधित, क्योंकि बीएड के छात्रों को भी प्रादेशिक लोक कलाओं के विषय में जानकारी रखने का प्रावधान है। अपनी संस्कृति को समझना और जानना है तो उस प्रदेश के लोक कलाओं की जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो बिहार में 3-4 लोक कलाओं का प्रचलन है, किंतु मधुबनी कला सबसे ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा स्थान मंजूषा कला का, तीसरा भोजपुरी कला का और चौथा माली कला का। मगध प्रदेश की भी कुछ लोक कलाएं हैं, किंतु आज मैं भोजपुरी कला पर थोड़ी बहुत चर्चा करने जा रहा हूं। यह लोग मधुबनी कला को ही मात्र बिहार के लोक कला समझते हैं, जबकि लुप्त प्राय होती भोजपुरी कला का अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो यह कला भी मधुबनी कला से कम नहीं है। सभी तीज त्योहारों में अपनी अलग पहचान और महत्व है। यदि इन क्षेत्रों की लोक कलाकार भोजपुरी कला जैसे पीढ़िया, कोहबर तथा सुजनी डलिया कला को ढंग से समाज के बीच परोसे तो यह कला भी जीविकोपार्जन का स्रोत बन सकती है। तो आज मैं भोजपुरी कला की कुछ झलक दिखाने से पहले मिलवाता हूँ भोजपुरी कला की एक लोक कलाकार सविता जी से। नमस्कार, मैं सविता कुमारी आरा भोजपुर से हूँ। अब ये मेरी कलाकृति लगभग तैयार हो चुकी है। भोजपुरी कला भी एक ऐसी कला है जिसकी अपनी शैली है। शादी, तीज त्योहार और पूजा घरों में बनाए गए चित्र भोजपुरी कला की शैली है। भोजपुरी कला में गांव की महिलाओं द्वारा बनाई गई चित्र शैली में कोहबर और पीढ़िया का महत्वपूर्ण स्थान है। पीढ़िया बनाने की शुरुआत भाई दूज के दिन से होती है और इस दिन गोबर की पिंडी बनाकर गांव की महिलाएं दीवार पर लगाती हैं। इस पर्व के आखिरी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को दीवार पर पीढ़िया लेखन करती हैं। पीढ़िया की आकृति में हाथ, पैर और पेट बड़ा बनाया जाता है। सेब के पत्ते को पीस कर हरा रंग तैयार किया जाता है और चावल से सफेद रंग और सिंदूर से लाल रंग तैयार किया जाता है।
और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रतीकों का अंकन किया जाता है। ये पेंटिंग मैं कैनवास पे एक्रेलिक कलर से बनाई हूँ। अब ये पूरा हो चुका है। चित्रों में प्रतीकों का विशेष स्थान दिया गया है। कुछ और चित्र देखा जाए। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान पटना के सौजन्य से इस कला को पटरी पर लाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसमें वहां के पदाधिकारी श्री अशोक कुमार सिन्हा जी का विशेष योगदान है, जो कि खुद एक साहित्यकार और कवि भी हैं। मैंने भी कुछ भोजपुरी कला का निर्माण किया है, किंतु विशेष प्रयास भुवनेश्वर भास्कर और उनकी पत्नी सुनीता तथा रोशन राय की पत्नी अनीता का है। फिलहाल आज ज़रूरत है भोजपुर के सुदूर गांव के कलाकारों को प्रोत्साहन देने की तथा उन्हें समाज की अन्य लोक कलाओं से जोड़ने की, अपनी पहचान को स्थापित करने की। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।